हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सतेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे थे बुद्धि के बारे में। तो हमने जाना था कि बुद्धि होती क्या है। सोचने, समझने, तर्क करने की जो शक्ति होती है वही बुद्धि है। फिर हमने जाना कि इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं और किस मनोवैज्ञानिक ने हमें कौन सा सिद्धांत दिया बुद्धि का। आज हम जानेंगे IQ के बारे में। जो बच्चे का बौद्धिक स्तर होता है, मानसिक स्तर होता है, वही IQ होता है। तो इसको मापने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने फॉर्मूले दिए हैं, तो वो हमारे लिए एग्जाम में बहुत जरूरी है जानने। और हम किसी बच्चे की बौद्धिक स्तर कैसे निकाल सकते हैं इसके लिए भी आवश्यक है, तो जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जो हमें IQ का फॉर्मूला दिया, स्टर्नबर्ग ने दिया। आपको याद हो कल हमने एक कारक सिद्धांत पढ़ा था, उसमें एल्बर्ट बिने, उनके साथी थे टर्मन और स्टर्न। तो वही स्टर्नबर्ग ये हैं, इन्होंने हमें सबसे पहले फॉर्मूला दिया था बच्चे का बुद्धि मापन हम कैसे करेंगे। तो जानते हैं कि स्टर्नबर्ग ने हमें कौन सा फॉर्मूला दिया बुद्धि परीक्षण का। तो IQ इनके हिसाब से मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जो मेंटल एज होती है उसके अकाउंट में हमें रियल एज रखनी है, इससे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा IQ का। तो इनके साथ स्टर्नबर्ग के साथ कोहलमान थे जब उन्होंने ये फॉर्मूला लिया, ठीक है। तो ये दो मनोवैज्ञानिक थे, इनका फॉर्मूला था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। बट टाइम चेंज हुआ तो हमारे एल्फ्रेड बिने जो थे उन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला पूरा नहीं है, दशमलव में जो संख्या आ रही है उसको हमें बिल्कुल एक रियल वास्तविक नंबर देना है। तो उन्होंने इंटू 100 कर दिया, इसी फॉर्मूले में इंटू 100 कर दिया। बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण बोलते हैं उसे, बिने के साथ स्टैनफोर्ड के साथ में इन्होंने ये परीक्षण किया। तो मानसिक आयु बटे रियल आयु इंटू 100, इसमें बिने जी हो गए। जिसमें इंटू 100 नहीं है वो स्टर्न का फॉर्मूला है। फॉर्मूले आपको दोनों दिए जा सकते हैं, पूछा जाएगा कि बिने का कौन सा है, स्टर्नबर्ग का कौन सा, तो कुछ भी कैसे कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट यही है, इनके में 100 नहीं है और बिने के में 100 है, ये फॉर्मूला है बस। 1911 के बाद टर्नमन ने इस फॉर्मूले को दिया था, 1911 के बाद, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सबसे पहले जो बुद्धि का परीक्षण हुआ वो किसने दिया, कहाँ दिया। तो ये दिया हमें अल्फ्रेड बिने ने 1905 में। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। उन्होंने 30 क्वेश्चन बच्चों से पूछे, बच्चों ने सही उत्तर दिया, तो ये परीक्षण सफल रहा था। तो विश्व में तो अल्फ्रेड बिने ने दिया, 1905 में दिया, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया में किसने दिया, इंडिया में 1922 में CH राइस ने, ठीक है, CH राइस लाहौर में। तो इंडिया में पूछा जाए तो CH राइस और विश्व में पूछा जाए तो अल्फ्रेड बिने। इन्होंने 1905 में दिया, CH राइस ने 1922 में दिया। तो जो बुद्धि मापन का काल है ये भी देख लेते हैं। 1905 से पहले शरीर के आधार पर परीक्षण होते थे, 1905 से 11 के बीच मानसिक आयु के स्तर पे हम इसका परीक्षण करने लगे, और 1911 के बाद जो बुद्धि लब्धि शब्द आया है उसका प्रयोग होने लगा 1911 के बाद। अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में, ये क्वेश्चन इनमें से बनते हैं, तो जानते हैं। मानसिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग बिने जी ने किया, बुद्धि लब्धि का प्रयोग बिने जी की मृत्यु के बाद हुआ, ठीक है। शरीर के आधार पर सबसे पहले, शरीर के आधार पर सबसे पहले जो परीक्षण किया वो लेविस्टर ने किया। बुद्धि लब्धि जो विचार के जनक थे, बुद्धि लब्धि का जो विचार दिया था वो दिया था हमें बिने जी ने। बिने साइमन का जो पहला परीक्षण किया था उसमें जो संशोधन हुआ वो 1908 में हुआ, और दूसरा जो संशोधन हुआ वो 1911 में हुआ, ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। फिर हमने जाना कि भारत में बुद्धि परीक्षण 1922 में CH राइस लाहौर में हुआ था, ठीक है। भाटिया बुद्धि परीक्षण ये भी इंडिया में हुआ था, भाटिया जी ने किया था, इलाहाबाद में किया था, ये भी आप याद रखेंगे। मानसिक योग्यता का विकास 14 वर्ष की आयु में हो जाता है, बुद्धि लब्धि की योग्यता का विकास होता है 18 वर्ष में। और जो इंडिया में हमें ये CH राइस ने जो बुद्धि परीक्षण दिया था इसको हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल भी बोलते हैं, ये भी आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। तो ये हमने जाना कि विश्व में सबसे पहले 1905 में अल्फ्रेड बिने ने परीक्षण किया, इंडिया में CH राइस ने 1922 में किया। तो जानते हैं व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण कैसे होते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण वो होते हैं कि इंडिविजुअली एक एक बंदे को बुलाएंगे आप और उसका परीक्षण करेंगे। सामूहिक में क्या हो, एक समूह में बहुत सारे लोगों का परीक्षण एक साथ कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। जब विश्व युद्ध हो रहा था तो हम एक एक आदमी का व्यक्तिगत परीक्षण नहीं कर सकते थे, तो टाइम के हिसाब से हमने बहुत सारे लोगों का परीक्षण करना था, तो ये सामूहिक परीक्षण का तब निर्माण हुआ था। तो जानते हैं कौन कौन से परीक्षण है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ये 4-5 हमारे बुद्धि परीक्षण है जो व्यक्तिगत है, जो पर्सनली एक एक बच्चे के साथ हम परीक्षण कर सकते हैं। मैरीमल पामर मापनी, इसमें 38 उप परीक्षण हुए, ये 1.5 साल से 6 वर्ष के बच्चों पे होता है, ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, मैरियल पामर माफनी। दूसरा मिनोसोटा प्री स्कूल के, इसमें 1.5 साल से 5 साल तक बच्चों का होता है। गुड इनफ ने ड्रॉइंग ए मैन, रेविन ने प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, और वेस्लर ने बालकों एवं वयस्कों हेतु बुद्धि मापने का निर्माण किया, ये व्यक्तिगत थे।
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्यक्तिगत हैं या ये सामूहिक हैं। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे व्यक्तिगत में ये पांच आ रहे हैं। अब हम जानते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में। सबसे पहले कहाँ हुए? अमेरिका में हुए। किस लिए हुए? विश्व युद्ध हो रहा था, उसकी गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए ये परीक्षण हुए थे। तो दो तरह के परीक्षण हुए, एक आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा में क्या है कि शाब्दिक, ठीक है, शाब्दिक और पढ़े लिखे लोगों के लिए था सिर्फ ये, ठीक है, शब्दों के अनुसार था और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए था। कौन सा? आर्मी अल्फा। आर्मी बीटा इसमें क्या था? अशाब्दिक परीक्षण थे, हम मतलब तस्वीरों के माध्यम से समझा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम बोल के समझाएं। और दूसरा, इसमें पढ़े लिखे भी थे, अनपढ़ भी थे। तो ये दोनों डिफरेंस पूछे जाते हैं कि आर्मी अल्फा कौन सा है, आर्मी बीटा कौन सा है, ये सामूहिक है या व्यक्तिगत परीक्षण है। तो व्यक्तिगत में हमारे मेरिल पामर, मिनोसेटा, गुडेनफ और रेविन का प्रोग्रेस मैट्रिक, तो बेसलर ने जो दिए ये तो हमारे व्यक्तिगत थे, और जो हमने पढ़ा है आर्मी अल्फा आर्मी बीटा ये हमारे सामूहिक परीक्षण थे। तो हम जानते हैं आईक्यू टेबल के बारे में। कोई भी एग्जाम हो इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, एक नंबर का क्वेश्चन पक्का है, कहीं भी आप देख लेना, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्लासिफिकेशन किया है कि बच्चे किस किस तरह के बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली, प्रखर, तीव्र, सामान्य, मंद, अल्प, जड़, ये इस टाइप के बच्चे होते हैं। और इनका आईक्यू लेवल कितना होता है? 71 से कम को हम जड़ बोलते हैं, 71 से 80 को हम अल्प बोलते हैं, 81 से 90 को हम मंद बोलते हैं, और 91 से 110 के बीच में सामान्य बच्चे, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो हमारे 91 से 110 के बीच में आते हैं। उससे ऊपर हम जाएंगे तीव्र बच्चे हो जाएंगे 111 से 120 के बीच में, और प्रखर होते हैं 121 से 130 के बीच में, और 130 से ऊपर हो गए वो प्रतिभाशाली, ठीक है। तो ये आप टेबल याद रखेंगे। सबसे पहले आप याद रखेंगे सामान्य 50% होते हैं बच्चे 91 से 110, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, जो सामान्य बुद्धि लोद्धि होती है बच्चों की 91 से 110 के बीच में होती है, और ये ऐसे बच्चे होते हैं कम से कम 50%, ठीक है। इससे ऊपर जाओगे तो तीव्र बच्चे मिलेंगे 111 से 120, 10-10 का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। तीव्र के बाद हमारा प्रखर आ जाएगा 121 से 130, 130 से ऊपर जो हमारे गए वो हमारे प्रतिभाशाली हो गए, और ये सिर्फ 2% होते हैं बच्चे, ये ऊपर भी 2% है, नीचे भी 2% है, ऊपर भी 7% है, नीचे भी 7% है, ऊपर भी 16% है, नीचे भी 16% है। तो मंद, अल्प, जड़, ये ऐसे 10-10 का आंकड़ा घटाते जाएंगे आप, ऐसे टेबल याद कर लेना, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। अब स्टैनफोर्ड विनय स्केल के अनुसार ये भी चीज़ आप याद रखना, इसमें से क्वेश्चन बने हैं कि जो 14 साल का बच्चा होता है उसके मेमोरी स्तर में कितने वर्ड होने चाहिए। तो स्टैनफोर्ड विनय जो स्केल है उसके अनुसार है, 14 साल के बच्चे के कम से कम 9000 वर्ड होने चाहिए, और जो 16 साल का जो बच्चा है उसके संज्ञान में 11700 वर्ड होने चाहिए, और जो 18 साल का बच्चा है उसके दिमाग में 13500 वर्ड होने चाहिए। ये तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। 14 वर्ष के बच्चे के लिए 9000 वर्ड, 16 साल के बच्चे के लिए 11700 वर्ड, और 18 साल के बच्चे के लिए 13500 वर्ड। तो हम जानेंगे बेल कर्व के बारे में, हिंदी में से घंटी कर्व बोलते हैं। तो दिया किसने ये हमें? जॉन कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे, एक मैथमेटिशियन थे। तो ये है क्या? गणितीय फंक्शन है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। इसमें डेल्टा आपको याद रखना पड़ेगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि डेल्टा का साइन याद रखना, आप डिराक डेल्टा बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इसका ग्राफ एक मिनट में समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। तो जानते हैं कि ये ग्राफ कैसे काम करता है, आप बिल्कुल सिंपल तरह से समझेंगे। जो हमने अभी टेबल पढ़ी है आईक्यू की, सिर्फ उसी के बेस पे है ये भी। तो यहाँ जो हमें ये आईक्यू लेवल दिए हैं, 55 से शुरू किया है, 15-15 का गैप दिया है, 15 के बाद 70, 85, 100, 115, 130, 145, फिर हमें ये 100 के नीचे हमने जो ये डेल्टा है उसको रखा है, उसमें 0 है, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ता जा रहा है, 1 हो गया, डेल्टा 2 हो गया, डेल्टा 3 हो गया, और जो 100 से कम है उधर ये माइनस में हो गया, डेल्टा 1 हो गया माइनस का, डेल्टा 2 हो गया माइनस का, डेल्टा 3 हो गया माइनस का। तो ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ 15-15 का। अब हम याद रखेंगे कि 85 से 115 के बीच 34-34 दोनों इतने परसेंट के बच्चे होते हैं, 70 से 85 के बीच 16% बच्चे होते हैं, और 55 से 70% के बीच ये 2% होते हैं। तो ऐसे ही इधर साइड है। तो हमने ये देखा कि 2% बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं और जड़ बुद्धि बच्चे होते हैं। तो प्रतिभाशाली तो 100 के प्लस में मिलेगा आपको, और 100 से कम है ये हमारे जड़ मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डेल्टा 2 से डेल्टा 3 के बीच में किस प्रकार के बच्चे मिलेंगे? तो आपको मिलेंगे प्रतिभाशाली। तो 2 से 3 के बीच में हमें प्रतिभाशाली मिलेंगे, तो ये हम टिक लगा देंगे प्रतिभाशाली।
अगर दे दें माइनस में, माइनस दो और माइनस तीन के बीच में कैसे बच्चे मिलेंगे, तो हमें मिलेंगे 71 से कम वाले, ठीक है, 71 से कम वाले जो हमें मिलेंगे ये जड़ बच्चे होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, तो आप ये ग्राफ एक बार देख लेना, इसमें से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज हमारा बुद्धि का ये चैप्टर खत्म हो गया, हमने जाना बुद्धि क्या है, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में हमने जाना, अब हमने जाना आईक्यू के बारे में, आईक्यू क्या है, आईक्यू टेबल क्या है, बेल कर्व क्या है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी एग्जाम हो हर किसी में इसमें से जरूर आते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कम से कम सारा आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरह से हमने पढ़ा है। तो अब आपका नंबर इसमें से नहीं कटेगा, अगर ये आपने वीडियो पूरी देख ली, तीनों वीडियो, तीन वीडियो मैंने डाली हैं, तीन पार्ट में डाली हैं, सारे के सारे आप कॉन्सेप्ट एक बार देख लेना, इसमें से आपका एक नंबर नहीं कटेगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसमें दो या तीन या चार नंबर के भी आते हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।